सत्ताधारी भाजपा के मौजूदा कार्यकाल के पहले मुख्यमंत्री यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास 50 विभाग थे। दूसरे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 20 विभाग अपने पास रखे। उन्होंने कुछ विभागों की कटौती की थी। अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अपने विभागों में भारी कटौती की है। केवल 12 विभाग अपने पास रखे हैं, बाकी बांट दिए हैं सहयोगी मंत्रियों को। कोई आबकारी से तरबतर हुआ है, कोई मलाईदार विभाग में सराबोर है। यानी जो वरिष्ठ मंत्री नाराज बताए जा रहे थे, उनकी नाराजगी भारी भरकम विभागों के नीचे दबी नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वो कर गए जो बीजेपी के पिछले दो मुख्यमंत्री नहीं कर पाए। धामी ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत से बड़ी लकीर खींचते हुए विभागीय बंटवारे में जबरदस्त दरियादिली दिखाई है। इतना ही नहीं, सीएम ने विभाग बंटवारे के एक तीर से दो निशाने भी साध लिए हैं। उन्होंने एक और नाराज चल रहे मंत्रियों के गुस्से को हैवीवेट विभाग देकर दबाने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी साल में मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी तय कर दी है। यानी अब मलाईदार हैवीवेट विभाग पाने वाले मंत्रियों को काम करके भी दिखाना होगा। सीएम पद की दौड़ में शामिल डॉक्टर धन सिंह रावत को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग देकर उनका कद बढ़ाया है। तीरथ मंत्रिमंडल में रहे मंत्रियों के पिछले विभाग यथावत रखे गए हैं। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद को ग्राम्य विकास विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को अहम माने जाने वाले लोक निर्माण विभाग, डॉक्टर हरक सिंह रावत को ऊर्जा और यशपाल आर्य को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इनके बाकी सभी पुराने विभाग बरकरार रखे गए हैं। इसे तीनों कैबिनेट मंत्रियों की नाराजगी दूर करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। बाकी मंत्रियों के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए मंत्रियों को किन किन विभागों से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास 12 विभाग है। मंत्रिपरिषद कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापना विषयक कार्य, सतर्कता, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, गृह, कारागार, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड एवं अर्धसैनिक बल, राज्य संपत्ति, राजस्व, न्याय, सूचना, तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन, वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन, नियोजन। सतपाल महाराज के पास 8 विभाग हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व, लोक निर्माण विभाग। डॉक्टर हरक सिंह रावत के पास 7 विभाग हैं। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा, वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम, कौशल विकास एवं सेवायोजन, आयुष, आयुष शिक्षा। बंसीधर भगत के पास 5 विभाग हैं। विधायी एवं संसदीय कार्य, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। यशपाल आर्य के पास 6 विभाग हैं। आबकारी, परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन। बिशन सिंह चुफाल के पास 4 विभाग हैं। पेयजल, वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण निर्माण और जनगणना। सुबोध उनियाल के पास 7 विभाग हैं। कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, उद्यान एवं कृषि प्रसंस्करण, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास, जैव प्रौद्योगिकी। डॉक्टर धन सिंह रावत के पास 5 विभाग हैं। स्वास्थ्य, सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। रेखा आर्य के पास 4 विभाग हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य। यतीश्वरानंद के पास 4 विभाग हैं। ग्राम्य विकास, भाषा, पुनर्गठन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। गणेश जोशी के पास 4 विभाग हैं। सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग। अरविंद पांडे के पास 6 विभाग हैं। विद्यालय शिक्षा बेसिक, विद्यालय शिक्षा माध्यमिक, खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा। सत्ता दल के मंत्रियों का एक रोना हमेशा रहता था कि उन्हें काम करने वाले विभाग नहीं मिलते। अब उनकी ये नाराजगी दूर कर दी गई है। विपक्ष हो चाहे आम जनता हो, उनकी भी एक राय निकल कर सामने आती थी कि जो काम करने वाले विभाग हैं, बड़े विभाग हैं, उनमें कम से कम अलग से एक मंत्री दिया जाए। मसलन स्वास्थ्य विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, ऊर्जा है, ग्राम्य विकास है, ये वो विभाग थे जिनके लिए लगातार अलग से एक मंत्री की मांग की जा रही थी। अब वो मांग पूरी हो चुकी है। अब देखना ये है कि जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है भारी भरकम विभागों की, वो अगले 6 महीने विकास का पहिया कितनी तेज घुमा पाते हैं। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।